वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम आपको सिखा देंगे जलेबी कैसा बनाता है और जलेबी के लिए क्या क्या चाहिए। लमसम सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं उसका जो सिरप है चाशनी वो कैसा बनाता है। सो कैमरामैन वीडियो को पोस्ट करो। आपको ये देख लीजिए, ये है चाशनी। इसमें कैमरामैन इधर फोकस करो, इसमें चीनी चाहिए, चीनी, पानी और फूड कलर। ठीक है, फूड कलर जो खाने वाला आपको ग्रोसरी दुकान में इजीली मिल जाएगा। सो ये जो चाशनी है आप पानी थोड़ा सा देके चीनी इधर फोकस करो, पानी थोड़ा सा देके चीनी पानी से थोड़ा ज़रा देना है ताकि चीनी जब मेल्ट हो जाएगा तो जो ये कैमरा इधर फोकस करो, जो ये चाशनी है ये थोड़ा डार्क होना पड़ेगा। और इसको हल्का सा ले लो और हाथ में ऐसा जब चिपचिपा टाइप का हो जाएगा दैट्स कॉल योर चाशनी इज रेडी टू मेक ए जलेबी। आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्या बोलेगा ना, आपका जलेबी बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, हमेशा इसको थोड़ा मोटा रखना है तब आपका जलेबी थोड़ा क्रिस्पी होगा, थोड़ा शाइनिंग करेगा, थोड़ा चमकेगा। ठीक है, इसको हमेशा मोटा रखना है। फूड कलर आप लाल, पीला, हरा, काला, उजला जो भी देना दे सकते हो, बट येल्लो और रेड देने से आपका जलेबी ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, आई एम नॉट ए साइंटिस्ट बट आई नो हाउ टू मेक ए जलेबी। सो इसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं जलेबी बनाने में क्या क्या चाहिए। वीडियो को पोस्ट कर दे। रात को मैदा मार के रखना है, सुबह को बनाना है वगैरह वगैरह वगैरह, ये फेक नहीं चलेगा। ये आजकल 2023 का नया ट्रेंड है, वो चलेगा। सो अभी आप लोगों को वो दिखाएगा, तो वीडियो को अभी के लिए पोस्ट कर दो। हो गया। तो गाइस जलेबी बनाने के लिए आपको सात जलेबी बनाने के लिए ये जो है तो होता है हाइड्रो बोल के, ये आपको ग्रोसरी दुकान में मिल जाएगा, गालामार दुकान जिसको बोलता है ग्रोसरी, हाइड्रो बोलने से आपको ये वाला मिल जाएगा। सो अगर 1 kg जलेबी बनाना है तो ये ढक्कन में आपको आधा ढक्कन हाइड्रो देना पड़ेगा 1 kg जलेबी में, और जो बेकिंग है ये ढक्कन में 1 kg जलेबी में 2 बार देना पड़ेगा, यानी कि लगभग 1 चम्मच आधा ऐसा देना पड़ेगा। ठीक है, और मैदा को पानी में डाल के और ये दोनों डाल के बस पानी मैदा और ये 3 चीज़ डाल के आप हाथ से भी ऐसा कर सकते हो और चम्मच से भी घुमा सकते हो, योर चॉइस। उसके बाद आप मार दीजिएगा तो थोड़ा थोड़ा जो ये मैदा को फोकस करो कैमरामैन, ये जो है ऐसा थोड़ा डार्क होना पड़ेगा, आप उठाने के साथ साथ जो ये नरम टूट जाएगा वैसा नहीं, थोड़ा सा इसको हार्ड होना पड़ेगा ऐसा गिरने के लिए, तो जलेबी आपका काफ़ी शानदार बनेगा, वरना तो काफ़ी शानदार नहीं बनने वाला है। तो आपका थोड़ा इसको ढीला करके और वापस से मैदा थोड़ा सा डाल के इसको थोड़ा टाइट कर देना है। ठीक है, इसको थोड़ा टाइट करने के बाद आपको दिखाता है जलेबी को घुमाना कैसा है, बनाना कैसा है। सो थोड़ा सा रुक जाइए, कैमरामैन फोकस किया है ना इसको बस। सो गाइस आपको जलेबी बनाने के लिए ये कपड़ा का जरूरत पड़ेगा, ये कपड़ा नॉर्मल कपड़ा नहीं है। ठीक है, यहाँ मैं आप कैमरामैन फोकस करो, यहाँ पे ये जो सिलाई दिख रहा है ना ऐसा सिलाई वाला कपड़ा, आप टेलर मास्टर के पास जाके, कैमरामैन इधर फोकस करो, सिलाई मशीन टेलर के पास जाके आप लोग उसको बोल सकते हो कि हमको जलेबी बनाने वाला कपड़ा चाहिए, वो सो एक कपड़ा बना देगा, बीच में एक फुटा कर देगा जहाँ से आप दबाइएगा तो जलेबी का मैदा गिरेगा। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं, तो कैमरामैन इधर फोकस करो, ये दंटी पकड़ लेना है ऐसा उठा के इसमें ऐसा डाल लेना है। ठीक है, थोड़ा सा मैदा को ना टाइट रखना है तब आपको जलेबी बनाने का मजा ही अलग आता है। सो इसको ऐसा कर लेना है और इधर कैमरामैन इधर आ जाओ, इधर फोकस करो और कैमरामैन गाइस इसको ऐसा पकड़ लेना है और राइटी वाला हाथ से यहाँ पे कस के दबाना है। ठीक है, ताकि ये मैदा ऊपर ना जाए, क्या में कस के दबाना है और ये वाला हाथ से इधर दबाने का। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो इधर दबाने का और इधर दबा के ऐसा थोड़ा सा घुमाने का हाथ, ऐसा हाथ घुमाने का तो बढ़िया सा जलेबी हो जाने का। आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दोनों ये वाला से ऐसा प्रेस करना है और ये वाला को ऐसा कस के पकड़ के रखना है और हाथ घुमाते रहना है ऐसा ऐसा करके। अया हम बोल के थक गया हो, रुको हाँ, ऐसा 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 घुमा के इसको थोड़ा इंतज़ार करते हैं, कैमरा मैन इधर फोकस करो। तो हम लोग जलेबी को अच्छा से होने का, लाल होने का, क्रिस्पी होने का, एकदम खतरनाक वाला लुक्स आने के लिए
हम लोग एक मिनट तक वेट करेंगे, उसके बाद में इधर कैमरामैन फोकस करो, इधर में हम लोग बढ़िया से दुबा के इसको निकाल देंगे, काफ़ी शानदार होगा। कैमरामैन इधर फोकस करो, इसको लाल होने का इंतज़ार करते हैं, ये जब लाल हो जाएगा तो आप लोगों को दिखाएंगे। कैमरामैन अभी के लिए वीडियो को पोस्ट कर दो। गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने अभी भी जलेबी को इस तरह पलटी कर दिया है इस चम्मच का यूज़ करते हुए, और ये और हल्का सा लाल हो जाएगा तो हम लोग इसको सिरप में डुबा देंगे, चाशनी में डुबा देंगे। सो गाइस कैमरा में इधर फोकस करो, ये जलेबी हो चुका है हल्का सा पलटी करके लाल। कैमरा में इधर फोकस करो, हल्का सा लाल होने के बाद में इसको इस तरह से लेके जाना है चाशनी में, ऐसा रख दे, इसको ऐसा दबा देना है, ठीक है। दबाने का मज़ा ही अलग है जलेबी। उसके बाद इसको ऐसा लेके दबा देना है, ठीक है, एकदम प्यार प्यार से दबाना है, नहीं तो टूट जाएगा जलेबी। इसको ऐसा ऐसा दबा के और ऐसा प्यार प्यार से करके ऐसा निकाल देना है। एक बार से पूरा निकालेगा ना, आप लोग एक बार से लाइक कर दो, हम एक बार से पूरा निकालेगा, और आप लोग शेयर वेयर सब कर दो ग्रुप कैमरा में, इधर फोकस करो। सो देखो हम एक बार से निकाल दिया, आप लोग भी एक कैमरा में इधर फोकस करो, आप लोग एक बार से सब लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और इसको इधर से लेके कैमरा में इधर फोकस करो और इधर में ऐसा इधर 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 कैमरा में थोड़ा दूर जाओ, थोड़ा दूर जाओ, थोड़ा सा इधर जाओ, और ये देखो बन गया जलेबी रेडी। खा के देखिएगा क्रिस्पी है कि नहीं, देखिए एकदम क्रुक क्रक क्रुक क्रुक आवाज़ दे रहा है, इसका मतलब जलेबी एकदम परफेक्ट हुआ है। एनी कन्फ्यूजन कमेंट करो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, या तो वीडियो कॉलिंग भी आपको सोल्यूशन दे देगा। बस आपको लाइक वाइक करना है और जो बताया वही करना है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और हमेशा की तरह टेक केयर। चलो सेव करो।